नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि अपने सिंपल PNG फ़ोटो को जो है बैकग्राउंड के ऊपर किस तरह से प्रयोग करेंगे और एक स्मार्ट फ़ोटो बनाएंगे। तो दोस्तों, उसके लिए हम जो है फ़ोटोशॉप पे चलते हैं, फ़ोटो पिक्स आर्ट पे चलते हैं। तो यहाँ से हमारा पिक्स आर्ट लोगो दिख रहा है, तो पिक्स आर्ट लोगो को जो है हम ओके करेंगे, यानी अपने पिक्स आर्ट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ से चलिए हम चलते हैं, एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड लेने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक बैकग्राउंड को ले लेते हैं। तो चलिए बैकग्राउंड कुछ हम लेते हैं इस तरह से, चलिए ये बैकग्राउंड हम ले लेते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ऐड फ़ोटो पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। ऐड फ़ोटो जहाँ पे दिख रहा है, ऐड फ़ोटो पे हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए ऐड फ़ोटो पर क्लिक करके यहाँ से एक फ़ोटो हम ले लेते हैं जो PNG में बना हुआ है दोस्तों। तो चलिए हम PNG का फ़ोटो सेट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लाने के बाद इस तरह से दोस्तों जो है PNG का फ़ोटो इस तरह से आ जाता है। तो इस तरह से हम जो है इसको डिटेक्ट करेंगे, रोटेट करके इधर उधर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम जो है इसको सेट कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद में फिर दोबारा हम जो है एक फ़ोटो और ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा सेट करने के बाद। तो चलिए यहाँ से फिर वही फ़ोटो को ले लेते हैं। वही फ़ोटो लेने के बाद इसको भी रोटेट कर लेना है इस तरह से कुछ। तो चलिए हम रोटेट कर लेते हैं, इस तरह से कर लिए हैं। और उसको बाद यहाँ से हम इसको सेट कर देंगे कुछ इस तरह से दोस्तों। सिंपल बात, अब आपको क्या करना है, इस पे दूसरे वाले पे क्लिक करना है दोस्तों। इस वाले फ़ोटो पे हम क्लिक करेंगे। तो चलिए इस वाले फ़ोटो पे हम क्लिक करके जो है यहाँ से ओपेसिटी दिख रहा है, यहाँ पे देखते होंगे आप लोग, ओपेसिटी का जो ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम कम करेंगे। तो चलिए हम कम करके देख लेते हैं। चलिए हम कुछ इस तरह से सेट कर लिए इस तरह से दोस्तों। उसके बाद में अब क्या करना है, तो चलिए यहाँ से हम सही के मार्क पे टिक कर देते हैं। उसके बाद में इस तरह से हमारा हो जाता है। तो दोस्तों, उस इस तरह से फ़ोटो हमारा बन गया है। तो चलिए अब ऐड फ़ोटो पे हम दोबारा क्लिक करते हैं। इस ऐड फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद जो है एक बैकग्राउंड, एक घास लेते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे घास बोलते हैं, वो लेते हैं। तो यहाँ पे हम डाउनलोड करके रख लिए हैं। चलिए ये घास है, इसको हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। चलिए कुछ इस तरह से, उसके बाद में इसको बड़ा कर लेंगे और इस तरह से हम कर दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ तो हो गया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इरेजर दिख रहा है, इरेजर पे हम क्लिक करेंगे। चलिए इरेजर पे क्लिक करके इसको यहाँ जो है इसको इरेज कर देंगे, यानी कि हटा देते हैं इस तरह से। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद भी सही के मार्ग पर ओके कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारा फ़ोटो कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद हम जो है यहाँ से एक फिर दोबारा ऐड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। ऐड फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद हम तितली लेंगे, तितली डाउनलोड करके हम PNG में रख लिए हैं। तो चलिए हम तितली को ले लेते हैं यहाँ से। तीन बार टच करेंगे तो तीन तितली ऐड हो जाएंगी इस तरह से। तो दोस्तों, इस तरह से तितली ऐड हो गई है। इसको हम यहाँ से इस तरह से सेट कर देंगे। उसके बाद में कुछ इस तरह से इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे और कुछ इस तरह से इसको हम इस तरह से सेट कर देंगे। तो चलिए हम इस तरह से इसको खसका देंगे यहाँ पे। तो इसको थोड़ा इस तरफ से कर देंगे। तो चलिए कुछ इस तरह से हमारा हो गया है दोस्तों। उसके बाद में
कोई टेस्ट हम ले लेते हैं। चलिए छोड़े टेस्ट, उसके बाद में जो है हम इसको सेट करके और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के लिए सेम प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पे जाना है ड्रॉ पे। ड्रॉ तो आप सभी को पता ही हो गया होगा, तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ पे चलते हैं। ड्रॉ पे चल के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, और यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करना है। ड्रॉ पे क्लिक कर देंगे। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ट्रिपल डार्ट जो दिख रहा है वहाँ से सेव कर देंगे दोस्तों। यहाँ से सेव करने के बाद चलिए दोस्तों यहाँ से हम एक टेस्ट को लेते हैं। टेस्ट को यहाँ से हम कुछ नाम दे देते हैं, तो टेस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे टेस्ट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम कुछ लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दिए माई स्मार्ट पिक। माई स्मार्ट पिक लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह से बड़ा कर लेना है और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे हम सेट कर दिए। उसके बाद में यहाँ से हम जो है इसके कलर को कुछ ब्लैक कर देते हैं और इसके ब्लैक करने के बाद ये जो स्टॉक दिख रहा है इसको वाइट कर देते हैं हल्का। उसके बाद देखिए दोस्तों ये माई पिक बन के रेडी हो गया है। तो इसको जो है इस तरह से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस तरह से। तो चलिए दोस्तों आप देख रहे हैं जी श्री म्यूजिक। तो चलिए यहाँ से हम इसको सेट कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे इस तरह से दोस्तों। कुछ लगन लगा है, फिर दोबारा हम टेस्ट लेते हैं यहाँ से हम एक पिक ले लेते हैं। तो यहाँ से हम कुछ लिख देते हैं जैसे माई दिस माई पिक टी एच दिस इज माई पिक। लिखने के बाद यहाँ से इसको ओके कर देंगे और उसके बाद में हम यहाँ इस तरह से कुछ जूम करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से हम सेट कर देंगे। तो चलिए यहाँ हम सेट कर दिए कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ कलर पे जाएंगे। कलर पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कलर पे चले जाना है। तो कलर पे जाने के बाद जो है हम यहाँ से कलर को ब्लैक कर देते हैं, स्टॉक में वाइट ले लेते हैं, इसको और मोटा कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से कुछ लगने लगा है हमारा फ़ोटो, बहुत ही स्मार्ट लग रहा है। तो दोस्तों इस तरह का फ़ोटो आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों सेव करने का प्रोसेस तो आपको पता ही है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम कुछ फ़ोटो से रिलेटेड कुछ और वीडियो लाएंगे। तब तक एक सूचना बता रहे हैं आपको कि अब तक आपने सीखा किसी भी PNG फाइल को बैकग्राउंड में लाने के लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड को लाते हैं। वहां से ऑप्शन पे जाने के बाद एड फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद वहां से फ़ोटो को ले आते हैं और फ़ोटो को लाने के बाद जो है डबल फ़ोटो ऐड करते हैं। एक का जो ऑपेसिटी होता है कम करने के बाद वहाँ से एक घास ऐड करते हैं और घास को ऐड करने के बाद कुछ बटर यानी तितली को लाते हैं और दो तीन तितली इधर उधर सेट करने के बाद कुछ स्मार्ट पिक लगने लगता है। उसके बाद जो है हम एक टेस्ट को लेते हैं जो माई स्मार्ट पिक के नाम से हम जो सेट कर देते हैं। यदि उसके बाद में हमारा फ़ोटो रेडी हो जाता है, रेडी होने के बाद इसको सेव करने का प्रोसेस सेम है। तो सेव करने का प्रोसेस ड्रॉ पे जाना है, ड्रॉ पे हम चले गए हैं। थ्री डॉट पे जाने के बाद सेव कर देंगे। तो चलिए हम गैलरी में देखते हैं कि कहाँ पे ये हमारा जो है फ़ोटो है। तो दोस्तों ये हमारा गैलरी में फ़ोटो कहाँ पे है देखते हैं। तो चलिए कुछ इस तरह से हम जो है गैलरी में चलते हैं और फ़ोटो को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा फ़ोटो जो है इस तरह से कुछ
तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो पिक्स आर्ट जो बनाए हुए हैं यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इस टाइप का फोटो आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे फोटो से रिलेटेड।